आज के दौर में केरोसिन का बहुत बड़ा मसला अब हो गया है। सारी मशीनरी जो हमारे पास अवेलेबल है अल्हम्दुलिल्लाह सारी पेट्रोल पे चलती है। जाने के लिए कहूंगा कि माइलेज ज्यादा मिल रही है। हाँ, हमारा जो किसान है अब उसे अनंतनाग, श्रीनगर, पुलवामा, कुलगाम, शोपियान जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डोर स्टेप पे कृषि विकास का ये जो यूनिट है यहाँ पर अवेलेबल है, हर किस्म की मशीनरी। देखिए जेके कृषि विकास की एक सोच है कि ज़मींदार जो हमारे किसान भाई है उनको मशीनरी और इक्विपमेंट्स और बीज है वो मुनासिब दामों पे मिले और उनके नज़दीकी जो ना सहूलियात उनको मैसर हो। क्योंकि मैं एक खुद से एक किसान हूँ, एक फार्मर हूँ, मेरा हाई डेंसिटी का बाग अपना बनाया है, तो उन दिनों मैंने बहुत दौड़ धूप करी। हाँ, मशीनरी नहीं मिल रही है, श्रीनगर जाओ, पुलवामा जाओ, अनंतनाग जाओ, तो वो चीज़ें ध्यान के वो सख्तियाँ जो जेली है वो देख के मेरे जहन में ये आया कि मैं अपने इलाके की सहूलियत और मुनासिब दाम मुहैया करा के इनके लिए एक सहूलियत पैदा करूँ यहाँ पे। तो इस लिहाज से मैंने जेके कृषि विकास के ताउन से उनके अथवा से ये सेंटर यहाँ पे कायम किया है। मशीनरी के हवाले से चाहे उनके गुड़ाई के, सिंचाई के, उनके दवाई छिड़कने के जितने भी आलात उनके हैं, स्प्रे मोटर्स है, टिलर्स है, ब्रश कटर्स है, सारी मशीनरी उनको अवेलेबल मिलेगी और अच्छे दाम पे मिलेगी और अच्छी क्वालिटी की मिलेगी। 1 ईयर वारंटी कंपनी देती है जो सर्विस मुहैया रखेगी, उसको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कल उसको कोई स्पेयर पार्ट मिलना चाहिए या और कोई सुविधा होनी चाहिए, तो वो सारी फैसिलिटीज़ उनको यहाँ पे मिलेंगी। आज के दौर में केरोसिन का बहुत बड़ा मसला अब हो गया है, अब प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई है। केरोसिन सरकारी दामों पे नहीं मिल रहा है, हाई दाम पे मिलता है, पेट्रोल से भी ज़्यादा महंगा अब केरोसिन हो गया है। तो उस हिसाब से आज के दौर की डिमांड यही है, आज के दौर की बात यही है कि पेट्रोल पे चलने वाली मशीनरी हो, और सारी मशीनरी जो हमारे पास अवेलेबल है अल्हम्दुलिल्लाह सारी पेट्रोल पे चलती है और पेट्रोल में केरोसिन से ज़्यादा माइलेज इसमें मिल रही है। समझाने के लिए कहूँगा कि माइलेज ज़्यादा मिल रही है, किसी जो चाहिए हम वो हमसे राबता कर सकता है। निहामा शुपियन रोड पर ओल्ड हॉस्पिटल के पास में है हमारा ऑफिस, तो यहाँ आके हमसे या हमारे फोन नंबर हमारे साथ रابطہ कर सकते हैं, हमारे नंबर्स नीचे दिए गए। जिनेद साहब, यहाँ पे जाते जाते ये बता दीजिएगा, अब जिनके घरों में मोटर्स के हवाले से बात करें, सुप्रीम मोटर्स के हवाले से बात करें, तो उनके पास जो केरोसिन मोटर्स हैं और आप जो प्रेफर कर रहे हैं हर एक के पेट्रोल सुप्रीम मोटर चाहिए, तो क्या एक्सचेंज ऑफर यहाँ पे दस्तियाब? जी जी जी, एक्सचेंज ऑफर भी हम लॉन्च कर रहे हैं, बहुत जल्दी वो हो जाएगा 1-2 दिन में, कि वो अपना ओल्ड केरोसिन मोटर लेके आए और इसे मुनासिब दाम पे अपना नया पेट्रोल मोटर ले सकते हैं। किसान भाइयों के लिए हमारी मैसेज ये रहेगी कि जो उनको श्रीनगर, पुलवामा, अनंतनाग जाना पड़ता था यही मशीनरी लाने के लिए, अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं है उनको, वो यहाँ पे आके अपनी पूरी फैसिलिटी यहाँ पे अवेल कर सकते हैं। देखिए फैज साहब, जेके कृषि विकास का जो ये यूनिट यहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया है, बड़ी खुशकिस्मती की बात है और ये मुबारकबादी के लायक है, खासकर इस इलाके के लिए, चूंकि एक एग्रीकल्चर सोसाइटी है तो यहाँ पर इस चीज़ की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी। बात करेंगे इर्द गिर्द के इलाकों की, क्योंकि सारा जो हमारा एरिया है, जो सोसाइटी है, ये एग्रीकल्चर सोसाइटी है, ज़्यादा इन्हीं चीज़ों पर ज़्यादा डिपेंड करती है। तो यहाँ हमारा जो किसान है अब उसे अनंतनाग, श्रीनगर, पुलवामा, कुलगाम, शोपियान जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डोर स्टेप पे कृषि विकास का ये जो यूनिट है यहाँ पर अवेलेबल है, हर किस्म की मशीनरी जो हमारे हार्टिकल्चर के लिए, हमारे एग्रीकल्चर के लिए, अगर मैं उन प्रोडक्ट्स की बात करूँ जो हमारे एग्रीकल्चर फील्ड्स में काम आते हैं और जो हमारे हार्टिकल्चर फील्ड्स में काम आते हैं, वो सारी मशीनरी यहाँ पर मौजूद है। स्प्रे मोटर्स की बात करेंगे या हम वाटर पंप्स की बात करेंगे, हम थ्रेशर्स की बात करेंगे, वेडर्स की बात करेंगे, टिलर्स की बात करेंगे, तो ब्रश कटर्स की बात करेंगे, या जो हमारे पास वुड कटर, वुड कटिंग मशीन है, उनकी बात करेंगे, तो यहाँ पे इजीली हमें अवेलेबल है, दूर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हम तहे दिल से इनका भी, इनको मुबारकबाद देते हैं कि इन्होंने किसानों के लिए यहाँ पे सहूलियत, मैं इसे सहूलियत सेंटर ही कहूँगा, क्योंकि किसान
किसान आएंगे तो बड़ी आसानी के साथ, सहूलियत के साथ यहाँ पे जो ज़रूरत की चीज़ होगी, ज़रूरत की मशीनरी होगी तो यहाँ से हासिल करेंगे। ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि हमारे इलाके में कृषि विकास का एक यूनिट एस्टैब्लिश किया गया, और हम जुनैद साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं इसके लिए।